चलिए गुड ओके। सो वी विल स्टार्ट विथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे, अकाउंटिंग की हमने मीनिंग समझा था, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो समझे थे, और व्हाट इज बुक कीपिंग ये भी हमने समझा था, राइट। तो जो अकाउंटिंग के अंदर फीचर्स थे, जो उसके स्टेप्स थे या उसके फंक्शंस थे, उसको मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस रिजल्ट्स टू इंटरेस्टेड यूजर्स इन अकाउंटिंग। तो क्या तरीका होना चाहिए, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ समराइजिंग, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जब आप रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और एनालाइज कर लेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो उसको इंटरप्रेट भी करना होता है। इंटरप्रेट करने का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी चीज को देखने के बाद क्या समझते हैं। तो अब मैं एक एक वर्ड को धीरे धीरे करके आप लोगों को समझाना शुरू कर रहा हूं, तो उसको प्लीज आप समझ के मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। सॉरी जस्ट स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को क्लियर? अच्छा तो जो पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का वो है रिकॉर्डिंग। तो आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस आपको मैं सिखाऊंगा, देयर विल बी अ स्टैंडर्ड प्रोसेस थ्रू विच यू विल कैप्चर और रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज और बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। और उस पहली बुक को बोलते हैं जर्नल बुक। जो पहली बुक होती है जिसमें आप सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं, पहली जगह जहां पर एंटर करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ जर्नल बुक, राइट। द जर्नल बुक इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ, ठीक। तो पहला स्टेप जो है अकाउंटिंग का, जो पहला फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल फंक्शन, दैट इज रिकॉर्डिंग। तो एक आपको हर ट्रांजैक्शन को आप देखेंगे किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, उसको जहां पर जर्नल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है वहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे। कौन कौन सी जर्नल बुक्स हैं आपके पास? कैश बुक। तो कैश रिलेटेड जितने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में आएंगे। परचेजेस बुक, जितने परचेजेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के वो परचेजेस बुक में आएंगे। परचेज रिटर्न्स बुक, परचेज रिटर्न्स का मतलब जो जो आपने सामान खरीदा था उसमें से कुछ आपने रिटर्न कर दिया बिकॉज ऑफ डैमेज, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ नॉन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। आप मार्केट चले जाते हैं कई बार घर से, कुछ सामान लेने के लिए घर में भेज दिया किसी ने, और उसके बाद जब आप लौट के आते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये नहीं मंगाया था, ये गलत आ गया, ये खराब आ गया, इसे वापस कर दो। सिमिलरली देयर इज परचेज रिटर्न्स इन बिजनेस एज वेल। सेल्स बुक, जितने बिजनेस ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड हैं, जो सामान आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन बेचता है वो हम सेल्स बुक में डालेंगे, और जितने सेल्स हमको वापस आ जाते हैं रिटर्न होकर के सेम रीजंस की वजह से, जैसे हम रिटर्न कर देते हैं ऐसे कोई हमको रिटर्न कर देगा, तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में डालेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग ये है कि व्हाट एवर नंबर ऑफ बिल्स यू आर सपोज टू रिसीव, जो पैसा आपको मिलना है, जो उधार आपने दिया है लोगों को, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। सो वो सारे आप ट्रांजैक्शंस बिल्स रिसीवेबल बुक में डालेंगे। और बिल्स पेएबल का मतलब ये है जितने उधार आपने लिए हैं मार्केट में, यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उस बुक को, उन ट्रांजैक्शंस को आप जिन बुक्स के अंदर एंटर करेंगे उसको बिल्स पेबल बुक बोलते हैं। तो ये पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, राइट। तो अब कैश बुक के डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग ओवर देयर। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अब आपने रिकॉर्ड कर लिया सेल्स बुक में, परचेज बुक में, कैश बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक में, अलग अलग तरीके के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यू विल ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप ध्यान से पढ़ते हुए उनको अलग अलग हेड में क्लासिफाई करेंगे, एक नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर क्लासिफाई कर देंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, सब्सिडरी बुक्स से आप देखेंगे कि कितने सेल्स ट्रांजैक्शंस हैं, कितने परचेज ट्रांजैक्शंस हैं, कितने बिल्स रिसीवेबल्स हैं, उनके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे,
मैं लेजर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि लेजर कैसे बनेगा। तो हर एक स्पेसिफिक टाइप का अकाउंट बनेगा जिसको आप क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो उसको आप, उस क्लासिफिकेशन को आप बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लेजर। तो लेजर इज व्हाट? लेजर इज द बुक दैट कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। अब मैं आपके को दो एग्जाम्पल्स इसके देता हूं जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन। आपने एक सामान खरीदा किसी से उधार, मैं नाम रख देता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अमन एंड कंपनी। आपने यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम अमन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने तरीके के ट्रांजैक्शंस आ गए? एक तो परचेज आ गया, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गया, तीसरा अमन एंड कंपनी आ गई, राइट? तो आपने क्या किया, परचेजेस बुक के अंदर सबको एंटर कर दिया। अब आप इसको क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड तो आपने कर लिया, अब आप क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो अमन एंड कंपनी का एक अकाउंट खोलेंगे अपनी बुक्स में, एक परचेजेस का अकाउंट खोलेंगे अपनी बुक्स में। फ्रॉम परचेज बुक यू विल पिकअप दिस मटीरियल। अब दूसरा ट्रांजैक्शन आपने एक कैश परचेजेस फ्रॉम द मार्केट, आपने किसी भी दुकानदार को कैश देकर सामान खरीद लिया, तो अब आपकी कैश बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन चली गई और परचेजेस बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन चली गई। अब आप एक कैश अकाउंट अलग से बनाएंगे और जो परचेज अकाउंट बना रहे थे उसमें अगली एंट्री करेंगे। तो परचेज अकाउंट अलग बनेगा, कैश अकाउंट अलग बनेगा, अमन एंड कंपनी का अकाउंट अलग बनेगा। ऐसे ही अगर आप किसी को यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, किसी को उधार पे सामान बेचते हो, तो मान लीजिए वर्मा एंड कंपनी, तो आप वर्मा एंड कंपनी का भी एक अकाउंट अपनी बुक्स में खोलेंगे। तो यूनिक अकाउंट्स अपनी बुक में आप खोलते चले जाएंगे, हर आदमी का, हर कंपनी का, हर ट्रांजैक्शन का, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, आप एक एक करके उसको ओपन करते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये आप उसमें लेजर में बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हर अकाउंट को आपको देखने को मिलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर आपने कहाँ कहाँ पर इसको ट्रांजैक्शन किया है। थर्ड इज समराइजिंग। तीसरा जो कैटेगरी आती है वो समराइजिंग है। समराइजिंग मींस जो आपने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं बहुत सारे, उनको आप टेब्यूलेट करेंगे, टेबल के फॉर्म में लेकर के आएंगे एक जगह पर, और एक तरीके के अकाउंट्स को एक साइड में डालेंगे और दूसरे तरीके के अकाउंट्स को दूसरी साइड में डालेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का मतलब आप एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें आप चेक करेंगे कि आपके सारे रिकॉर्ड ठीक से बने हैं या नहीं बने, तो वो आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस से आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये तीन टर्म्स जो मैंने आपके यूज किए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन देखने के लिए इन तीन डॉक्यूमेंट्स को रेफर किया जाता है, लीगली एट द कॉर्पोरेट लेवल, एट द प्राइवेट लेवल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाया जाता है समराइज करके सारे ट्रांजैक्शंस को जो आपने इससे पहले रिकॉर्ड किए हैं और क्लासिफाई किए। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं और इनको एक साथ पुटअप किया जाता है फॉर डिफरेंट पार्टीज टू व्यू। अलग अलग पार्टीज जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं वो इन स्टेटमेंट्स को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी उधार है, राइट, कितने नहीं है, कितना उनके पास कैश है, कितना उनके पास एसेट्स है, ये सब उससे पता चलेगा, ठीक। द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद, इसमें तो खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट का नाम लिखा होगा, उसका अमाउंट लिखा होगा, अकाउंट का नाम लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा। तो हम लोग एज कॉमर्स स्टूडेंट्स, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम खाली वो स्टेटमेंट बना दें, नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें पढ़ना भी आना चाहिए कि वो स्टेटमेंट कैसे लिखा, कैसे बना हुआ है, उसमें एक पर्टिकुलर आइटम, एक पर्टिकुलर अकाउंट हेड के आगे इतना पैसा लिखा है, दूसरे पर्टिकुलर अकाउंट हेड के आगे इतना पैसा कम लिखा है या ज्यादा लिखा है, पिछले साल इतना था, इस साल इतना क्यों है, ये एनालिसिस करनी हमको आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं एनालिसिस करना और उसके बाद इंटरप्रेट करना। हमको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बगल में रख के ये बताना आना चाहिए कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग क्यों है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक क्यों है।
इसके पास कैश ज्यादा क्यों है, इसके पास कैश कम क्यों है। दो एक जैसे काम करने वाली कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंपेयर कर सको, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब होता है हर चीज की एलिमेंट्स के अंदर जाकर उसको समझना, और इंटरप्रिटेशन होता है उसको एक्सप्लेन करना, और एक्सप्लेन कैसे करना, मीनिंगफुल टर्म्स में एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। मीनिंगफुल का मतलब जो आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है उसको उसकी भाषा में आप जवाब दे पाए, दैट इज कॉल्ड मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से क्या फायदा होता है कि ये आपकी बिजनेस की फर्दर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, विजन स्टेटमेंट को सेट करने में हेल्प करता है। कंपनी कहाँ जाना चाहती है अगले 10 सालों में, ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बेस पर तय होता है। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आर नॉट द ओनली थ्री फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, द फोर्थ फंक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना नहीं है कॉमर्स, वो एक बार को एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भूल जाए चलेगा, पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन अगर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते तो आप खराब हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का। मान लीजिए आप फ्यूचर में चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर या फिर कोई सिंगर बन जाते हैं या कोई पेंटर बन जाते हैं, और प्रोफेशनल पेंटर बन जाते हैं, प्रोफेशनल बहुत बढ़िया अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो आपकी कोई कंपनी खुल जाएगी फ्यूचर में जाके, बहुत सारे लोग उसमें काम करना शुरू करेंगे, यू विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर और द चेयरमैन ऑफ योर कंपनी। होगा क्या, आपके अकाउंट्स बनाने के लिए आप बहुत सारे लोगों को रख लेंगे, वो आपके अकाउंट्स बना देंगे और वो अपनी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपको सुना देंगे, अपनी एनालिसिस जो उनको समझ में आ रहा है, जो उनको लगता है वो आपको बता देंगे। हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, यू। चाहे आप सिंगर क्यों ना हो, चाहे आप पेंटर क्यों ना हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन यू शुड नो व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता होना चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, ये कम है या ये ज्यादा है, ये क्यों कम है, ये क्यों ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका स्टाफ है वो आकर आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, हो सकता है वो आपको गलत एक्सप्लेन कर दे, हो सकता है वो मिसगाइड कर दे आपको। सो ये जो बेसिक नॉलेज आपको आज दी जा रही है अगले 2 साल 9th एंड 10th, इसको ध्यान से समझिए। एट द एंड ऑफ 10th क्लास यू शुड बी एबल टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि कैसे एनालिसिस करनी है, बट वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाए आप, उसके लिए इतनी सारी एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग हो रही है। क्लियर? यहां तक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में कोई क्वेश्चन, कुछ समझ ना आ रहा हो किसी को? एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत तेज तो नहीं है, एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ही बाउंस हो रहा है? यस सर, आ रहा है। यस आ रहा सर, है थोड़ा 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 सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज क्वेश्चंस पूछिए, प्लीज क्वेश्चंस पूछिए, मुझे मेल कर दीजिए क्वेश्चंस रात को कि ये समझ नहीं आया, घर जाकर के प्लीज थोड़ा सा इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दे रहा हूँ, गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल गया आप लोगों को सबको, यस यस सर, है ना, उसके यस अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ, प्लीज उसको एक्सेस करिए, सर, सुनिए, नहीं समझ में आए क्वेश्चंस पूछिए, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, लास्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग। आपने इतना सारा अकाउंट्स बनाया, फाइनल अकाउंट आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस फाइनेंशियल डेटा इज कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स। जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको ये डेटा पहुंचना जरूरी है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है, राइट? तो मैंने पहले दिन जब क्लास में समझाया था कि कंपनीज एक्ट बना हुआ है 2013 और एक इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये तो मैंडेटरी है कि आपको कम्युनिकेट करना ही करना है। तो ये किस किस को कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है, इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं वो आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूं। कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज या स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं एक बिजनेस में?
एक बिजनेस फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, तो उसका टेक्निकल टर्म कॉमर्स की लैंग्वेज में स्टेक होल्डर्स होता है, जिनका कुछ, स्टेक का मतलब होता है कुछ ना कुछ हिस्सा कंपनी में लगा हुआ, कुछ ना कुछ हिस्सा कंपनी में लगा हुआ हो, तो वो कौन होते हैं। तो ये बहुत सारी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, इनको ध्यान से समझिएगा, ये टर्म्स अब आपको यहां से लाइफ लॉन्ग आपके आसपास घूमती रहेंगी। क्रेडिटर्स और लेंडर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिससे बिजनेस उधार पर सामान खरीदता है, रूटीन बिजनेस जिनसे उधार सामान खरीदता है उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। अब आप लोग, कई लोग, आप लोगों में से कई लोग होंगे जो मार्केट जाते होंगे, तो कुछ दुकानदारों को आप लोग जानते होंगे, कुछ सामान आपके घर में 10 से 15 दिन के लिए उधार पे आ जाता होगा, वो फोन पर ऑर्डर लेकर बिल बनाकर आपको दे देता होगा, पैसे आपसे 10 15 दिन बाद, 1 महीने बाद लेता होगा। आप कभी कभी बिना पैसे के किसी की जान पहचान की दुकान पर चले जाते हैं, वो कहता हो कोई बात नहीं आप ले जाइए, बाद में पैसे दे दीजिएगा। ऐसी बहुत सी दुकानें होती हैं आपकी लोकेलिटी में, उसको जो आप क्रेडिट पर लेकर आ रहे हैं तो आपके लिए वो आदमी क्रेडिटर है। सिमिलरली बिजनेस इफ इट इज परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, दोस पीपल इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी कॉल्ड क्रेडिटर्स, राइट। लेंडर्स, लेंडर का मीनिंग होता है देने वाला, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज में लेंडर का मतलब होता है लोन देने वाला आदमी, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को लेंडर बोलते हैं। तो जिसने भी आपकी कंपनी को लोन दिया होगा उसका हिस्सा बन गया आपकी कंपनी में, भाई उतना पोर्शन तो आपसे वापस लेगा ना, वो उतना उधार जितना उसने आपको दिया उतना वापस लेगा, उसका भी इंटरेस्ट आ गया उसमें, तो वो लेंडर्स। उनको देखने हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स, आपकी बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको कितनी इनकम हो रही है, आपके कितने खर्चे हैं, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मेरा लोन पे करने की पोजीशन में है या नहीं है, ये पढ़ने के लिए लेंडर्स को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। दूसरी कैटेगरी है शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स क्या समस्या है, आसान भाषा में इसको समझिए, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज आप नाम सुनते हैं, टाटा, रिलायंस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, राइट, ओला, उबर, ये आप आसपास बहुत नाम सुनते हैं, सबने ये नाम सुने हुए हैं, कोई ऐसा है जिन्होंने इन नामों, इन नेम्स में से कोई भी नाम ना सुना हो, सबने सुने, जोमैटो, स्विगी, सुने हैं सबने, गुड। इन सब कंपनीज के अंदर इतना पैसा कहाँ से आता है? एब्सोल्युटली। तो इतना पैसा इन कंपनीज के अंदर कहाँ से आता है, अगर आप कभी एनालाइज करने की कोशिश करें तो किसी भी एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी कंपनी अमेजॉन खड़ी कर दे या फिर टाटा या रिलायंस खड़ी कर दे, चाहे उस 20 25 साल, 40 साल, 50 साल लगे हों, बट करते क्या है। शेयर होल्डर्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी की कैपिटल को, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं बराबर। जैसे आपको मान लीजिए आज अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत है, मैं बहुत रॉ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने कहा किसी से कि भाई तुम 1,000 रुपए दे दो, तुम 1,000 रुपए दे दो, तो वो 1,000 रुपए ऐसे तो कोई देगा नहीं, तो आपने क्या किया, आपने अपनी कैपिटल के 10 रुपए के हिसाब से 100 हिस्से बना दिए, 10 रुपीज पर पीस, और उसको एक कागज का टुकड़ा बना दिया, लिख दिया 10 रुपए का ये कागज का टुकड़ा, 100 टुकड़े आपने बना दिए कागज के। अब आपने लोगों से कहा कि भाई 1,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, कम एंड चूज हाउ मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन माई कंपनी। तो लोग अपनी अपनी मर्जी से आए, किसी ने 1 10 रुपए का टुकड़ा उठाया, किसी ने 4 उठाए, किसी ने 5 उठाए, किसी ने 50 रुपए उठाए, किसी ने 150 उठाए, राइट। ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े या बहुत सारे टुकड़े उठा करके पैसे रख दिए, उसके बदले आपके पास 1,000 रुपए हो गए। अब 1,000 रुपए के लिए आपको पता चला आपकी कंपनी में 50 शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो जो जो लोग वो टुकड़ा उठा रहे हैं, दे आर होल्डर्स ऑफ द शेयर, उस हिस्से को वो उठा रहे हैं। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है, उनकी कैपिटल भी ऐसे ही बटी हुई होती है अलग अलग शेयर होल्डर्स के पास, छोटे और बड़े। कुछ लोगों के पास 10% ऑफ द टोटल कैपिटल होती है, कुछ लोगों के पास 1% होती है, कुछ लोगों के पास माइन्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है, 10,000 रुपए के शेयर होते हैं उनके पास। तो ये शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट कंपनी
के अंदर आया कि एक कंपनी बनाने के लिए एक आदमी को पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। वो पब्लिक से बोले कि भाई आप आइए और जिसको शौक है मेरे साथ पैसा मिलकर के लगाइए, कुछ पैसा मैं भी लगा रहा हूँ और हम लोग मिलकर के कंपनी चलाएंगे और उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे। तो शेयर होल्डर्स एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स होते हैं। जितने लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से शेयर होल्डर्स अकेले कंपनी के ओनर्स होते हैं, और जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी पैसा बढ़ता है वो पहले इन लोगों को बढ़ता है, जिसको डिविडेंड बोला जाता है, लाभांश हिंदी में, लाभ का अंश इज कॉल्ड डिविडेंड इन इंग्लिश एंड दैट इज गिवन टू शेयर होल्डर्स ओनली। और किसी को डिविडेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा केवल इन लोगों को मिलेगा। शेयर होल्डर्स समझ में आ गए आपको, क्रेडिटर्स लेंडर्स समझ में आ गए, गवर्नमेंट सरकार एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है किसी भी कंपनी के काम करने में। अब सवाल उठ सकता है कि जब कोई कंपनी है जैसे अमेजोन है, जैसे रिलायंस है, ये तो प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां भी हैं। आप लोगों में से कोई मुझे गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल दे सकते हैं? कैन समबडी गिव मी गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्पल्स, पब्लिक कंपनीज? मैंने रिलायंस, टाटा, अमेजोन वगैरह, ये तो प्राइवेट कंपनीज है। कैन समबडी गिव मी व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? सर आईआरडीए। वेरी गुड, दैट्स अ रेगुलेटरी फर्म, गुड गुड, अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी गुड। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक्चुअली ये कंपनी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार ने सेटअप करी है जो इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया के अंदर रेगुलेट करती है फॉर बोथ प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। तो एग्जैक्टली कंपनी नहीं है ये, दो यू हैव ट्राइड द बेस्ट, दैट्स ओके, आपने कहीं सुना है, कहीं समझा है, दैट्स ओके, नॉट अ बैड एग्जाम्पल एट ऑल। बट कोई और एग्जाम्पल जो पब्लिक कंपनीज कॉम्पिटिशन करती हो प्राइवेट कंपनीज से, कहीं आपने देखा है? आसपास घर के निकलते हो कभी? आजकल तो नहीं निकल रहे होगे, बट हैव यू सीन एनी पब्लिक कंपनीज? फोन यूज करते हैं सब लोग, मोबाइल फोन? यस सर। कौन कौन सी कंपनीज मोबाइल फोन के कनेक्शंस देती हैं, सिम कार्ड्स देती हैं, बताएगा कोई? सर एयरटेल, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, कौन सा? सर BSNL। सर क्या है BSNL, बताएगा कोई? सर गवर्नमेंट की एक नेटवर्क कंपनी है। एब्सोल्युटली, भारत संचार निगम लिमिटेड नाम है इसकी, और ये सरकारी कंपनी है, प्योरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और इस कंपनी ने तो एयरटेल, वोडाफोन, राइट, ये सब कंपनियां हैं, आइडिया वगैरह जो है, इनके साथ कंपटीशन करती है, आपको कनेक्शंस देती है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देती है, वाईफाई कनेक्शन देती है, मोबाइल लैंडलाइन कनेक्शन देती है, जस्ट लाइक अदर कंपनीज। लेस पॉपुलर, लेस नोन नेम है, बट बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका इंडिया में। और आप लोगों को जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, जब एयरटेल, वोडाफोन वगैरह इंडिया में नए आए थे तो ये कंपनीज BSNL का ही नेटवर्क यूज करते थे लीज करके, इनके पास अपने टावर्स नहीं थे, अपना नेटवर्क नहीं था, तो ये BSNL को पैसे देते थे और उनका नेटवर्क यूज करते थे अपने लिए। बाद में इन लोगों ने अपने टावर्स और अपने नेटवर्क्स डेवलप किए इन लास्ट 10-15 ईयर्स। इनिशियली इन 2002-2003 फॉर इनिशियल 5-6 ईयर्स दे पेड BSNL ऑन लीज बेसिस टू यूज देयर नेटवर्क। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिया। पेट्रोल पंप देखे हैं किसी ने? यस सर। किस किस के पेट्रोल पंप दिखते हैं? इंडियन ऑयल, IGL, वेरी गुड। व्हाट इज IGL का पूरा नाम क्या है सर? देख आज तक नोटिस नहीं किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली गवर्नमेंट की कंपनी है ये, जो आपको CNG और PNG जो घरों में कुकिंग गैस अवेलेबल कराती है पाइप्ड, और आपके क्या नाम है, नॉर्मल कंप्रेस नेचुरल गैस फॉर योर कार्स एंड अदर व्हीकल्स, राइट? तो इंडियन ऑयल के अलावा दूरदर्शन भी एक कंपनी है। कौन सी कंपनी सर? दूरदर्शन।
दूरदर्शन, बिल्कुल एब्सोल्युटली, दूरदर्शन भी एक कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है भारत सरकार की, जो आपको आप तक कम्युनिकेट करती है, अलग अलग तरीकों से आपका एंटरटेनमेंट करती है, एब्सोल्युटली। ऑल इंडिया रेडियो, राइट, ये लोग प्रसार भारती इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी खुली हुई, इसके अंदर आते हैं ये सब। बिल्कुल सही एग्जांपल है, बिल्कुल भी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा पेट्रोल कंपनी देखिए, भारत पेट्रोलियम देखा है किसी ने? यस सर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखा है? ये सब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज हैं, यानी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है सर। ये जो, हाँ बताइए, पूछिए। हाँ पूछो पूछो, कुछ पूछ रहे थे। गिर का माइक ऑफ है सर, अपना माइक। 24/7 हाँ। इन आउट्स होते हैं क्या चीज? इन आउट्स जो होते हैं और जो 24/7 होते हैं, 24/7 जो आपके ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे दिखता है वो? हाँ जी सर। वो तो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट फर्म है किसी, मैं भूल गया उसका नाम, कोई मिस्टर मोदी है, उनकी कंपनी है वो, उनकी कंपनी है, तो दैट्स अ प्राइवेट कंपनी, दैट्स ओके, आई मीन यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। उनकी पार्टनरशिप है इंडियन ऑयल के साथ और अलग अलग कंपनीज के साथ, पेट्रोल पंप्स के साथ, कि उनके पास स्पेस होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो स्पेस है उसको रेंट पर दे देते हैं, जो पेट्रोल पंप के पास स्पेस है उसको रेंट पर दे देते हैं, और उस रेंट पर वो शॉप्स चलती हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक मीनिंग और बता देता हूँ, ज्यादातर पेट्रोल पंप आप देखेंगे तो वो 24/7 खुलते हैं, पूरे 24 घंटे खुलते हैं कुछ पेट्रोल पंप्स, तो वहां पर जरूर होती हैं ये शॉप्स, और ये शॉप्स लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग तक खुलती हैं, तो इसका पर्पस ही होता है, जो लोग सर आपका माइक ऑफ है, सर आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ अब सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? आवाज यस सर। ओके तो मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा था कि ये जो 24/7 वगैरह हैं, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, इन्होंने डील कर रखी है पेट्रोल पंप्स के साथ, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास कई बार स्पेस होता है बहुत सारा, राइट, तो वो स्पेस को रेंट कर देते हैं कि भाई आप यूज कर लो और हमको एक महीने महीने में एक बार इतना रेंट दे देना इस स्पेस का, और वो जनरल स्टोर टाइप का ही होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर जनरल स्टोर टाइप की चीजें मिलती हैं, बिस्किट, पानी, फ्रूट जूसेस, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं, और पर्पस ये होता है कि जो पेट्रोल पंप होता है वो 24/7 चलता है, पूरे पूरे 24 घंटे 7 दिन कोई ब्रेक नहीं होता पेट्रोल पंप में, तो वहां पर कई कम्यूटर्स निकलते हैं जो लंबा जा रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, ट्रक्स वाले होते हैं, कोई और होता है, तो वो एक पैकेट बिस्किट खरीद लिया, एक वाटर बॉटल खरीद लिया, पर्पस ये होता है, तो इसलिए आपको दिखता है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन वेयर देयर इज एन एस्टैब्लिशमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अ पेट्रोल पंप एजेंसी, एंड द पेट्रोल पंप एजेंसी विच ओन्स दैट स्पेस हैज फर्दर यू नो गिवन द प्रॉपर्टी, पीस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन रेंट, कि भाई आप यहाँ पर अपनी दुकान चला लीजिए, तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मैं गवर्नमेंट का इसलिए आप लोगों को बता रहा था कि कई सेक्टर्स, कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट भी कंपीट कर रही है प्राइवेट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट भी कंपीट कर रही है, तो जहां जैसे गैस के बारे में हमने एग्जांपल दिया, अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज गैस के इंडस्ट्री में आ रही हैं धीरे धीरे करके, जो नेचुरल गैस को बनाने और बेचने का काम करती हैं अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार के पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल बोलते हैं, इसके अलावा रिलायंस की और टाटा की अपनी कंपनीज हैं जो गैस निकालने और बेचने का काम करती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं जॉइंट वेंचर हैं सरकार के कई लोगों के साथ, तो इसलिए सरकार को भी इंटरेस्ट है। दूसरा, सरकार का सबसे मेजर इंटरेस्ट इन बिजनेस फर्म्स के अंदर क्या है? भारत सरकार का इंटरेस्ट ये है कि बिजनेस फर्म्स कहाँ चल रही हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया की स्टेट्स के अंदर, फैसिलिटी उनको कौन दे रहा है, जमीन कहाँ है, इंडिया के अंदर, रिसोर्सेज वो कहाँ के यूज़ कर रहे हैं, इंडिया के, चाहे आप लेबर आप इंडिया की यूज़ कर रहे हो, ऑफिस स्टाफ यूज़ कर रहे हो, एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सब इंडिया के अंदर बन रहा है और आपको मिल रहा है,
सब यूज कर रही है कंपनीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनीज की कई ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि भाई आप जितनी इनकम कमा रहे हो एज अ रेंट कुछ पोर्शन हमें तो दो, ताकि भाई हम आपको और सुविधाएं दे सकें फ्यूचर में, और फ्रीडम दे सकें आपको, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे सकें, आप और एक्सपेंड करना चाहते हो तो हम आप हमको पे तो करो उसके लिए। तो देयर इज अ टैक्स स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स। तो ये दोनों चीजें जो सरकार रिसोर्सेज दे रही है आपको यूटिलाइज करने के लिए कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर, तो आपको मौका मिल रहा है कि आप आसानी से उसको यूज कर पा रहे हो, उसके बदले आप सरकार को टैक्स देते हो। ये टैक्स जो है उसके बदले एक तरीके का रेंट देती है कंपनीज, कि भाई आप इतनी फैसिलिटीज हमको देते हैं, वी ऑब्लाइज यू एंड वी पे यू दिस अमाउंट ऑफ रेंट, दिस अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इसलिए गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट का एक इंटरेस्ट ये भी होता है कि ये बिजनेस फर्म्स इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको फायदा पहुंचाए, उनको नुकसान ना पहुंचाए, उनको एक्सप्लॉइट ना करें। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है मिसयूज करना अपने काम का। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो एक कंपनी में 8 या 9 घंटे काम करने की इजाजत है, उससे ज्यादा काम करेंगे तो ओवरटाइम माना जाता है। ये सरकार की तरफ से लॉ बना हुआ है, काम करने के लिए कैसे सर्कमस्टेंसेस मिलने चाहिए, ऑफिस कैसा होना चाहिए, फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें टॉयलेट होना चाहिए, उसमें ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरे कानून बना रखे हैं। तो बिजनेस फर्म इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज लॉज इन देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट्स, अपने एस्टैब्लिशमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, सरकार के जितने गाइडलाइंस जितने लॉज हैं उसको एज दे आर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि वेलफेयर हो सके लोगों का, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो बाकी पार्टीज आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, पब्लिक, इन सबको फायदा हो बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज से। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेलंगाना में है तो तेलंगाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेंट्रली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये गवर्नमेंट का रोल है, इंटरेस्टेड पार्टी है गवर्नमेंट उस बिजनेस के अंदर। मैनेजमेंट, MGT जो लिखा है दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है किसी कंपनी के अंदर मेजर काम जो है वो मैनेजमेंट का होता है, कि वो दूसरों से काम कराती है। जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं किसी कंपनी के अंदर, उनका काम है नीचे के लोगों से काम करवाना। तो दे आर ऑल्सो हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट इन द कंपनी। सैलरी लेते हैं वो नॉर्मली, लेकिन कंपनी उनको अपार्ट फ्रॉम सैलरी कुछ एडिशनल बोनस, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्शन ज्यादा करवाते हैं, वो सेल ज्यादा करवाते हैं, प्रॉफिट ज्यादा करवाने का एजेंडा मैनेजमेंट का होता है, तो उनको एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा सैलरीज देती है बिजनेस फर्म, क्योंकि वो ऐसे प्लान्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा सेल हो, ज्यादा सर्विस हो। एम्प्लॉयज, ये किसी भी बिजनेस फर्म की सोल होते हैं। एम्प्लॉयज आर सोल ऑफ एनी बिजनेस फर्म। आपके पास पैसा है, आपके पास मशीन है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जमीन है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन आपके पास लोग नहीं है, तो बेकार है ऑर्गेनाइजेशन। योर ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग इफ यू डू नॉट हैव पीपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह बोलते हैं, बट एम्प्लॉयज के बगैर वो भी नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, वो भी नहीं चल सकता। आप किसी चीज को स्मार्ट बनाते हैं आर्टिफिशियली, उसको भी तो कोई आदमी सिखाता है ना, कोई इंस्ट्रक्शंस डालता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करता है, तभी वो काम कर सकता है। तो यू नीड एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सैलरीज मिलती हैं, सैलरी से उनका घर चलता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, राइट? वो कुछ खरीद सकते हैं मार्केट से जाके, बिजनेस फॉर्म के अंदर सेटिस्फाई होते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो है एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, राइट? तो इनका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उससे एम्प्लॉयज को फायदा होता है, उससे एम्प्लॉयज की तनख्वाह